चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। कोरोना मरीजों में अक्सर देखा गया है कि ऑक्सीजन लेवल एकदम से कम हो जाता है, इसलिए होम आइसोलेशन में डॉक्टर हमें ऑक्सीजन चेक करते रहने की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आपको दिन में कई बार अपनी ऑक्सीजन और दिल की धड़कन को मापना चाहिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन कई बार कम होता है तो वो कई बार बढ़ भी सकता है, लेकिन घबराए नहीं, आप अपना ऑक्सीजन लेवल कुल एक मिनट में पता कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत होती है। पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होता है जो क्लिप की तरह दिखता है। इसे क्लिप की तरह उंगली में फंसाकर ऑक्सीजन का स्तर मापा जाता है। उंगली में फंसाने पर इसकी स्क्रीन पर लिखा जाता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है और आपके दिल की धड़कन कितनी है। ऑक्सीमीटर के मैकेनिज्म की अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की पल्स ऑक्सीमीटर मैनुअल के अनुसार जब आप अपनी उंगली को ऑक्सीमीटर में डालते हैं तो इसके अंदर की ओर एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। ये लाइट आपकी उंगली के ब्लड से होते हुए गुजरती है, हालांकि आप इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। यह आपके हीमोग्लोबिन को टारगेट कर ब्लड में मौजूद टिश्यू से ऑक्सीजन लेवल का पता लगाता है। यह अलग अलग मात्रा में हीमोग्लोबिन को ऑब्जर्व करता है और फिर आपके ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन के लेवल को इंडिकेट करता है। WHO के अनुसार ऑक्सीमीटर की स्क्रीन पर 95 से 100 के आसपास डिजिट दिखे तो ये सामान्य है। अगर यह रीडिंग 93 से या उससे कम आ रही है तब आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं अगर यह 90 से नीचे है तो यह क्लिनिकल इमरजेंसी है। ऑक्सीमीटर आपकी हार्ट बीट भी दिखाता है। व्यस्क यानी एडल्ट्स में यह सामान्यतः लगभग 60 से 100 बीट प्रति मिनट तक होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घर पर ऑक्सीजन चेक करने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। इसके अनुसार ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए आपकी उंगली पर नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए ताकि इससे रीडिंग सही आए। दरअसल इस उपकरण में सेंसर लगे होते हैं, इसलिए अगर उंगली पर नेल पॉलिश लगी हो तो इससे रीडिंग गलत आ सकती है। अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो दोनों हाथों को रगड़कर हाथों को थोड़ा सा गर्म कर लें। ऑक्सीजन चेक करने से पहले कम से कम 5 मिनट के लिए आराम करें ताकि रीडिंग में कोई गलती ना आए। मध्यम या तर्जनी उंगली को ऑक्सीमीटर में रखकर चेक करें। हाथ व उंगलियों को मोड़े नहीं, उन्हें सीधा रखें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार रीडिंग में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल स्थिर होने का इंतजार करें। जब तक ऑक्सीमीटर की रीडिंग स्थिर ना हो तब तक उसे ऑन रखें। आखिर में एक और जरूरी बात, अगर आपको कोरोना है तो दिन में कम से कम 3 बार एक ही टाइम पर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और इसे नोट करते चलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।